हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ महक असलम। मैं हूँ हसन महमूद। बहुत सी अहम खबरें जानेंगे ग्रहार से भी। बुलेटिन के आगाज में यह अहम खबर आपको देंगे। कराची के हल्के पीएस 127 के जिमनी मार्के में सियासी पारा हाई हो गया है। उर्दू नगर में मुत्तहिदा मुहाजिर कौमी मूवमेंट के कारकुनान में तसादुम हुआ। रेंजर्स और पुलिस की नफरी तसादुम की जगह पर पहुंच गई। झगड़ा एमक्यूएम के दो इलेक्शन कैंप उखाड़ने पर हुआ। अहम खबर आप तो दे रहे हैं, उर्दू नगर का मकाम है जहां पर मुत्तहिदा और मुहाजिर कौमी मूवमेंट के कारकुनों में तसादुम हुआ है। याद रहे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दो इंतखाबी कैंप्स उखाड़ दिए गए थे, इस वजह से ये झगड़ा दरपेश हुआ है। इस वक्त इलाके की सूरत हाल क्या है यह हम जानेंगे। नुमाइंदा 92 न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं। इस वक्त रेंजर्स इलाके में पहुंच चुकी है। एमक्यूएम के दो इलेक्शन कैंप्स उखाड़ने पर ये झगड़ा हुआ है। कराची का मकाम है उर्दू नगर जहां पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दो कैंप्स उखाड़ दिए गए थे, इसके बाद ये झगड़ा हुआ है। पीएस 127 का जिमनी मार्का इस वक्त कराची की सूरत हाल मामले पहुंचा रही है जहां पर सियासी पारा हाई है। उर्दू नगर में मुत्तहिदा और मुहाजिर कौमी मूवमेंट के कारकुनान में तसादुम हुआ। लातों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल हुआ जिसके नतीजे में दो अफराद जख्मी हो गए। मजीद सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अरशद से। मोहम्मद अरशद, अपडेट कीजिएगा, ताजा तरीन सूरत हाल क्या है? जी देखिए, पीएस 127 में जो ज़िमनी इंतखाब का मार्का है वो बिल्कुल जारी है। यहाँ पे जो बदमजगी देखने में आई सुबह से, दो जगह पे खोखरा पार्क नंबर 2 में जो है एक वाक्या देखने में आया जहाँ पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कैंप जो था वो उखाड़ा गया। इसके अलावा जो है फिर यहाँ दूसरा वाक्या जो है वो उर्दू नगर के पास जो है वो पेश आया जहाँ पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और इसके अलावा महाजिर कौमी मूवमेंट के कारकुनान जो थे वो आपस में दस्तो गिरेबा हुए। आजादाना तौर पर जो है वो मुक्कों और लातों का जो है वो इस्तेमाल किया गया जिसमें दो अफराद जख्मी भी हुए हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो एक खत भी लिख दिया गया है जिसमें उनका ये कहना है। बहुत शुक्रिया आपका।